चलो भाई लास्ट परसों हम लोगों ने अल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड देखे थे कौन से ग्रुप के कंपाउंड भाई अल्कोहल इसके बाद में आता है एल्डिहाइड क्या आता है भाई तो हेडिंग डालोगे एल्डिहाइड A-L-D-E-H-Y-D-E aldehyde So first kya likhenge name of compound second number kya likhenge bhai molecular formula थर्ड नंबर क्या लिखेंगे कॉमन नेम स्ट्रक्चरल नहीं लिखने के अब कॉमन नेम और सबसे लास्ट में क्या आएगा भाई आईओपीएसी नेम तो भाई अब कौन से ग्रुप के कंपाउंड है एल्डिहाइड कौन सा है भाई और इसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो कौन सा है भाई CHO कौन सा है भाई CHO जरा थोड़ा अल्कोहल रिवाइज कर लेते हैं क्या रिवाइज कर लेते हैं भाई अल्कोहल उसका फर्स्ट मेंबर कौन था भाई मिथेनॉल कौन था भाई तो मिथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला कौन सा था फटाफट आंसर आना चाहिए कौन सा था भाई CH3OH सेकंड मेंबर कौन था भाई इथेनॉल इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला कौन सा था CH3CH2OH या तो C2H5OH चलो थर्ड नंबर का मेंबर कौन सा था कौन सा था प्रोपेनॉल केमिकल फॉर्मूला कौन सा CH3CH2CH2OH सेम हमें एल्डिहाइड कंपाउंड में जाना है काबर जाना है भाई चलो तो मीथेन के ऊपर से एल्डिहाइड कंपाउंड हो कौन से कंपाउंड हो भाई तो उसके अंदर जो सफिक्स लगता है वो आल लगता है कौन सा लगता है भाई आल मीथेन के ऊपर से मीथेनॉल इथेन के ऊपर से इथेनॉल प्रोपेन के ऊपर से ब्यूटेन के ऊपर से पेंटेन के ऊपर से तो चलो आप लोगों ने मीथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला कौन सा लिखा था CH3OH कौन सा लिखा था भाई तो सेम मीथेन के ऊपर से मीथेनॉल बनेगा तो उसका केमिकल फॉर्मूला कौन सा आएगा कौन सा आएगा इसका ग्रुप एल्डिहाइड के लिए कोरस्पोंडिंग ग्रुप कौन सा CHO कौन सा भाई तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा CH3CHO गलत अब ध्यान रखना है यहाँ पर गलती करो कभी एल्डिहाइड ग्रुप का जब भी नोमेनक्लेचर करे एल्डिहाइड ग्रुप का जब भी नोमेनक्लेचर करे या उसका कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे तो उसके ग्रुप के अंदर जो कार्बन एटम प्रेजेंट है उसको काउंट करना क्या करना है भाई एल्डिहाइड ग्रुप का जब भी कोई भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करे या तो उसका क्या लिखे भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे तो उसके अंदर उसके फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो कार्बन एटम प्रेजेंट है उसको हमें क्या करना है भाई काउंट करना है क्या करना है भाई तो देखो मीथेन के ऊपर से कभी फर्स्ट मेंबर हमारा कौन सा है भाई मीथेन कौन सा है भाई तो मीथेन के ऊपर से जो मीथेनॉल बनेगा उसका केमिकल फॉर्मूला है HCHO कौन सा है भाई
देखो एक कार्बन एटम है, कौन सा कार्बन एटम है भाई, एक कार्बन एटम, और ग्रुप हमारा कौन सा CHO ग्रुप, कौन सा ग्रुप है छेत्रायना से दबा से, तो ध्यान रखो एक कार्बन एटम ग्रुप कौन सा CHO, कौन सा ग्रुप है, तो इसका नाम IUPAC नेम कौन सा बनेगा भाई, मिथेनॉल बनेगा, क्या बनेगा भाई, और जैसे कीटोन के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कौन सा C डबल बॉन्ड O, कौन सा भाई C डबल बॉन्ड O, सेम एल्डिहाइड के अंदर जो CHO ग्रुप है वो CHO ग्रुप के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सपोज आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे बनेगा, एक ऊपर हाइड्रोजन एक नीचे हाइड्रोजन, अब बचा ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है भाई, डबल बॉन्ड, तो ही जाकर ये कार्बन की चार वैलेंसी क्या होगी भाई, सेटिस्फाई होगी, क्या होगी भाई, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, कौन सा भाई, तो डबल बॉन्ड वाले ग्रुप कौन से, दो ग्रुप, एक कौन सा ग्रुप एल्डिहाइड, दूसरा कौन सा भाई कीटोन, जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, तो ध्यान क्या रखेंगे भाई, मिथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले आप बोल गए CH3CHO, क्या बोल गए भाई, अपनी गलती सुधारो, CH3CHO किसका केमिकल फॉर्मूला बनेगा, CH3CHO किसका केमिकल फॉर्मूला बनेगा, मिथेनॉल का बनेगा कि इथेनॉल का बनेगा, किसका बनेगा, इथेनॉल का, क्योंकि उसमें कितने कार्बन एटम आ गए, दो कार्बन एटम, कितने आ गए भाई, क्लियर समझ में आया, इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम खास याद रखना है, इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड, कभी मिथेनॉल का कॉमन नेम कौन सा है भाई, फॉर्मल्डिहाइड, और ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड वो एंटीसेप्टिक है, कौन सा है भाई, यानी कि लेबोरेटरी के अंदर डेड एनिमल और डेड प्लांट के जो स्पेसिमेन प्रेजेंट होते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड मींस मिथेनॉल का यूज होता है, किसका यूज होता है भाई, लेबोरेटरी के अंदर डेड एनिमल एंड डेड प्लांट के जो स्पेसिमेन है उनको प्रिजर्व करने के लिए किसका यूज होता है भाई, मिथेनॉल, किसका यूज होता है भाई, या तो अदर नेम कौन सा भाई, फॉर्मल्डिहाइड, कौन सा भाई, या तो अदर क्या हो सकता है भाई, HCHO, क्या हो सकता है भाई, HCHO, कभी कोई डॉक्टर के वहां पर गए हो, हम नामी डॉक्टर हो, कैसा डॉक्टर हो भाई, बड़ा डॉक्टर हो, उसके वहां पर गए हो तो कभी कभी वहां पर ग्लास के बड़े बड़े जार होते और वो जार के अंदर सपोज वो डॉक्टर ने किसी का ऑपरेशन किया हो, उसकी बॉडी में से कोई ऐसा पार्ट निकाला हो तो जार के अंदर लिक्विड में वो स्पेसिमेन रखे होते, देखिए छोटा बच्चा होता है या तो कोई अंदर से ट्यूमर निकाला हो, गांठ निकाली हो, कैंसरस गांठ निकाली हो, ऐसे पोर्शन उसके अंदर रखते, तो वो जो जार के अंदर लिक्विड भरा हुआ है वो लिक्विड है वो कौन सा है भाई, फॉर्मल्डिहाइड, कौन सा है भाई, ये एंटीसेप्टिक है, उसके अंदर कोई भी स्पेसिमेन को रख दो 100, 200, 500, 1000 साल तक जैसा रखोगे वैसा ही रहेगा, क्या करोगे भाई, जैसा रखोगे वैसा ही रहेगा, लाइक मेडिकल की स्टडी करने के लिए जो स्टूडेंट जाते, मेडिकल के स्टडी करने के लिए जो स्टूडेंट जाते हैं, मेन उनकी स्टडी के अंदर क्या होते हैं, प्रैक्टिकल, क्या होते हैं भाई, मेन जो स्टडी में वो क्या है भाई, प्रैक्टिकल, जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, टेक्स्ट बुक में कितना भी पढ़ लो, ह्यूमन ब्रेन टेक्स्ट बुक में कितना भी पढ़ लो, वर्ड टू वर्ड याद कर लो, बट अंदर क्या है वो खोलने के बाद ही हमें पता चलेगा, वो लोग प्रैक्टिकल किसके ऊपर करते,
डेड बॉडी के ऊपर, किसके ऊपर करते हैं भाई? बहुत सारे पर्सन होते हैं जो डेड बॉडी को क्या करते हैं भाई, डोनेट करते हैं। क्या करते हैं भाई? और वो जो डेड बॉडी डोनेट हुई उसको प्रिजर्व करनी पड़ेगी। वरना ह्यूमन की डेड बॉडी तो चार दिन के बाद इतनी बदबू आती है, उससे अच्छी बदबू तो बोन कुतरी की आती है, गाय की आती है, भैंस की आती है। हमारी डेड बॉडी की बदबू बहुत गंदी होती है, चार दिन के बाद बहुत बदबू आएगी, बट वो एक साल दो साल तक हमारी डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखते हैं। और वो भी किसके अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं भाई? फॉर्मल्डिहाइड के अंदर। किसके अंदर भाई? याद रहेगा ये क्वेश्चन बहुत सारी बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो पहले ये फॉर्मूला लिख दो, फिर आगे सामने वाले पेज के ऊपर जो मैं क्वेश्चन लिखा वो क्वेश्चन लिखो। तो पहले लिख दो फॉर्मल्डिहाइड मिथेनॉल, और फिर सामने वाले पेज के ऊपर क्वेश्चन लिखोगे। कुछ केमिकल फॉर्मूला एंटीक होगी, कैसे होगी भाई? इनमें से एंटीक है भाई, एच सी एच ओ ग्रुप के आगे एच लगाओ तो वो क्या बन गया भाई? मिथेनॉल का फॉर्मूला। किसका बन गया भाई? लिख दिया। अब सामने वाले पेज के ऊपर क्वेश्चन लिखो। नंबर वन, विच कंपाउंड ऑफ कार्बन इज एंटीसेप्टिक? कार्बन परिसंयोजन एंटीसेप्टिक। विच कंपाउंड ऑफ कार्बन इज एंटीसेप्टिक? आंसर में क्या लिखेंगे? देखो इसके तीन तीन आंसर बनेंगे। कितने आंसर बनेंगे? देखो एक तो कौन सा हो सकता है? मिथेनॉल। कौन सा हो सकता है? नीचे ऑप्शन है चार ऑप्शन, मिथेनॉल। अगर मिथेनॉल नहीं है तो कौन सा हो सकता है? फॉर्मल्डिहाइड। और अगर फॉर्मल्डिहाइड नहीं है तो इसका केमिकल फॉर्मूला कौन सा भाई? एच सी एच ओ। क्लियर? तो तीनों लिख डालो। क्या लिखोगे? मिथेनॉल एर कॉमा फॉर्मल्डिहाइड एर कॉमा एच सी एच ओ। भाई वीडियो देख रहे हो वो भी लिखना, बैठे मत रहना गगे की तरह। शांति सर तो बोले जाए जी। देखो दूसरा क्वेश्चन, विच कंपाउंड ऑफ कार्बन, कंपाउंड डर ना लगा कंपाउंड, विच कंपाउंड ऑफ कार्बन इज यूज्ड इन अ लेबोरेटरी, इज यूज्ड इन अ लेबोरेटरी टू प्रिजर्व स्पेसीमेन ऑफ डेड प्लांट एंड डेड एनिमल। वनस्पति में प्राप्त होना अवशेषो में। आंसर क्या आएगा भाई? तीनों आंसर आएंगे। क्या हो सकता है? मिथेनॉल। मिथेनॉल नहीं होगा तो क्या होगा भाई? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड नहीं होगा तो क्या हो सकता है? एच सी एच ओ। खास याद रखना, लगभग तीन से चार बार ये बोर्ड की एग्जाम के अंदर आ चुका है। अब आपकी जिम्मेदारी है इनको याद रखना है। क्लियर? चलो सेकंड नंबर का मिथेन के बाद कौन आता है भाई? इथेन। कौन आता है भाई? चलो इथेन के ऊपर से क्या बनेगा भाई? इथेनॉल। क्या बनेगा भाई? इथेनॉल। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3CHO। क्या बनेगा भाई? CH3CHO बनेगा। तो देखो इसके अंदर कितने कार्बन एटम है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो, कितने कार्बन एटम है? दो। ग्रुप कौन सा लगा है? CHO ग्रुप। कौन सा ग्रुप भाई? दो कार्बन हो तो इसको क्या बोलते भाई? इथेन। इथेन के ऊपर से इसका IUPAC नेम कौन सा आएगा भाई? इथेनॉल। गलती से ओ न हो जाए, क्या लिखना है? इथेनॉल।
तो लास्ट वाला को दिखता है ना दिखता है आगे बहुत सारी जगह है भाई, आप तो नसीब वाले हो कि इतने छोटे छोटे बैठने को मिलता है, बहुत नसीब वाले हो, लकी पर्सन हो, तो जगह माटे हम मरी जो पड़े हो फिट थे जो पड़े रूम में। चलो इसका कॉमन नेम है एसीटाल्डिहाइड, ये दोनों के कॉमन नेम खास याद रखने हैं, बराबर है भाई। मिथेनॉल का कॉमन नेम कौन सा, मिथेनॉल का कॉमन नेम कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड। इथेनॉल का कॉमन नेम कौन सा, एसीटाल्डिहाइड। कौन सा भाई, एसीटाल्डिहाइड याद रहेगा। मिथेनॉल का कॉमन नेम कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड। केमिकल फॉर्मूला कौन सा, HCHO। इथेनॉल का कॉमन नेम कौन सा, एसीटाल्डिहाइड। कौन सा भाई, एसीटाल्डिहाइड। और केमिकल फॉर्मूला कौन सा, CH3CHO। चलो प्रोपेन के ऊपर से बनाओ, थर्ड नंबर मेंबर लिखो प्रोपेन। चलो प्रोपेन के ऊपर से क्या बनाएंगे बोलो तो, CH3CH2CHO, CH3CH2CHO। चलो इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे प्रोपेन, लाइक देखो एसीटाल्डिहाइड, अब यहां पर प्रोपेन है, क्या है भाई प्रोपेन, तो प्रोपेन के ऊपर से बनेगा प्रोपेनाल्डिहाइड। क्या बनेगा भाई, प्रोपेनाल्डिहाइड। स्पेलिंग आवड़ेगा कि लिखना पड़ेगा, आवड़ेगा प्रोपेनाल्डिहाइड। भाई न दिखता हो तो आगे आ जाओ ना, बहुत सारी जगह से भी आगे आई जो अरे कोरोना नहीं थोड़ा तो मैंने दिखता चिंता नहीं करो चलो इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखोगे, प्रोपेनॉल। क्या लिखोगे, चलो ब्यूटेनॉल बनाओ फटाफट, ब्यूटेनॉल बनाओ, ब्यूटेनॉल बनाओ। वीडियो देख रहे हैं वो भी बनाएंगे, फॉर्मूला क्या लिखोगे बोलो तो, CHCHO। चलो भाई लिखा CH3CH2CH2CHO। चलो कॉमन नेम क्या लिखा ब्यूटेन के ऊपर से, ब्यूटेनाल्डिहाइड। क्या लिखा भाई, ब्यूटेनाल्डिहाइड। और आईयूपीएसी नेम क्या लिखोगे, ब्यूटेनॉल। क्या लिखोगे भाई, चलो पेंटेन के ऊपर से बनाओ, पेंटेन। चलो क्या बने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो तो, CH3CH2CH2CH2CHO। क्लियर। चलो कॉमन नेम क्या लिखा भाई इसका, पेंटेनाल्डिहाइड। और आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे, पेंटेनॉल। बोलो पहचान पाओगे पेपर के अंदर, सपोज कोई कंपाउंड आया आईयूपीएसी नेम लिखने का, क्या लिखने का भाई, पीछे CHO ग्रुप हो, कौन सा ग्रुप हो भाई, तो बनेगा क्या भाई, एल्डिहाइड। बट टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, कभी CHO का CB आपको क्या करना है भाई, काउंट करना है। क्लियर। चलो इसके बाद में आता है कीटोन, हेडिंग डालो कीटोन।
हेडिंग डालो एल्डिहाइड के बाद कौन सा ग्रुप है कीटोन, के ई टी ओ एन ई कीटोन, के ई टी ओ एन ई, और इसका ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, कौन सा है भाई सी डबल बॉन्ड ओ, और इसका जो सफिक्स है वो कौन सा है भाई ऑन, कौन सा है भाई, चलो फर्स्ट मेंबर क्या बनाओ, लाइक अभी आपने बनाया मीथेन के ऊपर से, लाइक अल्कोहल बनाया मीथेन के ऊपर से, क्या बनाया भाई मीथेनॉल, क्या बनाया इथेन के ऊपर से इथेनॉल, प्रोपेन के ऊपर से ब्यूटेन के ऊपर से, सेम एल्डिहाइड में मीथेन के ऊपर से क्या बनाया मीथेनॉल, इथेन के ऊपर से प्रोपेन के ऊपर से ब्यूटेन के ऊपर से, सेम कीटोन के अंदर मीथेन के ऊपर से क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे इथेन के ऊपर से इथेन, नहीं मीथेनॉल इथेनॉल प्रोपेन के ऊपर से, अरे गजड़ा वे वो ना आवे, मैंने आपको बोला था कोई भी कीटोन ग्रुप की शुरुआत सिर्फ तीन कार्बन से हो सकती है, कितने कार्बन से हो सकती है, जब डोल ना बनी जाओ मीथेन के ऊपर से कभी भी मीथेनॉल बनने वाला नहीं है, इथेन के ऊपर से इथेनॉल बनने वाला नहीं है, ऑलवेज कीटोन ग्रुप की शुरुआत तीन कार्बन से होगी, कितने कार्बन से होगी, यानी कि फर्स्ट मेंबर किसका आएगा प्रोटीन के ऊपर से, किसके ऊपर से भाई, और इसका फर्स्ट मेंबर का केमिकल फॉर्मूला बनेगा CH3COCH3, इसके अंदर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका फर्स्ट मेंबर है CH3COCH3, यानी कि देखो इसके अंदर कितने कार्बन एटम है, 1, 2, 3 कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम है भाई 3, वो तो प्रोपेन, प्रोपेन के ऊपर से इसका IUPAC नेम बनेगा प्रोपेनॉल, कौन सा बनेगा भाई प्रोपेन के ऊपर से IUPAC नेम बनेगा प्रोपेनॉल, कौन सा बनेगा भाई, और इसका एक कॉमन नेम है वो खास याद रखना है, इसका कॉमन नेम है एसीटोन, कौन सा है भाई बराबर है, कभी प्रोपेनॉल का कॉमन नेम कौन सा एसीटोन, और इसका यूज होता है नेल पॉलिश रिमूवर, काबर होता है भाई, जब भी घर में शादी हो अगली रात को आपकी मम्मी आपकी बहन सब एक बॉटल लेके बैठ जाती है कॉटन का, वो रू लेकर कॉटन ने रूज किया है, कॉटन लेकर बैठ जाती है और वो बॉटल में डबोल डबोल कर सारी नेल पॉलिश निकाल देती है और नए टाइप की क्या लगाती है भाई नेल पॉलिश, वो नेल पॉलिश रिमूवर में किसका यूज होता है भाई एसीटोन, मेनी टाइम क्वेश्चन आ चुका है, तो अभी हमने क्वेश्चन लिखे उसके अंदर एक क्वेश्चन लिखो, विच कंपाउंड ऑफ कार्बन, विच कंपाउंड ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज अ, विच कंपाउंड ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज अ नेल पॉलिश रिमूवर, तो तीन तीन आंसर पॉसिबल बनेंगे, नीचे कौन सा ऑप्शन है वो हमें पता नहीं, बट तीन आंसर, फर्स्ट कौन सा एसीटोन, अगर एसीटोन नहीं है तो कौन सा हो सकता है भाई प्रोपेनॉल, कौन सा हो सकता है भाई, और ये दोनों भी नहीं है तो क्या होगा इसका केमिकल फॉर्मूला CH3COCH3, ये तीनों फॉर्म के अंदर पेपर के अंदर आ चुका है, एक ईयर में एसीटोन था, दूसरे ईयर के अंदर प्रोपेनॉल था, तीसरी बार इसका केमिकल फॉर्मूला, चलो हो गया भाई, चलो प्रोपेन के ऊपर से क्या बनाया भाई प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का कॉमन नेम खास याद रखना है
प्रोपेनॉल का कॉमन नेम कौन सा है भाई? एसीटोन। कौन सा है भाई? एसीटोन। और इसका यूज कहां पर होता है? नेल पॉलिश रिमूवर। कहां पर होता है भाई? थोड़ा आगे बढ़े, चार कार्बन का कंपाउंड बना तो ब्यूटेन के ऊपर से क्या बनाओगे कवि? चलो ब्यूटेन के ऊपर से कंपाउंड कौन सा बनाएंगे? CH3 CH2 COCH3। इसका कोई कॉमन नेम नहीं है भाई, डायरेक्ट IUPAC नेम। ब्यूटेन के ऊपर से क्या बनाओगे? ब्यूटेनॉन। क्या बनाओगे? ब्यूटेनॉन। चलो पेंटेन के ऊपर से बनाओ, इसके तीन ही मेंबर बनाने के। पेंटेन के ऊपर से बनाओ, क्या बनाओगे पेंटेन के ऊपर से? CH3 CH2 CH2 COCH3। पांच कार्बन आए, CO ग्रुप आए, कॉमन नेम कोई भी नहीं है। पेंटेन के ऊपर से क्या बनाओगे भाई? पेंटेनॉन। क्या बनाओगे? पेंटेनॉन। क्लियर? बोलो कीटोन के मेंबर याद रहेंगे? सबसे ज्यादा एसीटोन ही आएगा, फर्स्ट और सेकंड खास याद रखो। कौन से? देखो एक तो एल्डिहाइड के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड, फिर कीटोन के अंदर फर्स्ट। कीटोन के अंदर कौन सा भाई? इसका कॉमन नेम आपको पक्का आना चाहिए। चलो अब लास्ट ग्रुप कौन सा हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड। हेडिंग डालो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक, CYLIC है, XYLIC, कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो उसके लिए कौन सा ग्रुप आएगा? बोलो यार। और इसका सफीक से वो कौन सा लगेगा? ओइक एसिड। कौन सा लगेगा भाई? मीथेन के ऊपर से क्या बनेगा? मीथेनोइक एसिड। इथेन के ऊपर से? प्रोपेन के ऊपर से? ब्यूटेन के ऊपर से? पेंटेन के ऊपर से? देखो एल्डिहाइड के अंदर CHO ग्रुप, उसका सी हम लोगों ने काउंट किया। क्या किया भाई? उसका जो सी है उसको हमने काउंट किया, तभी जाकर फर्स्ट मेंबर क्या बना भाई? मिथेना। क्या बना भाई? मिथेना। सेम कीटोन के अंदर, किसके अंदर भाई? ये सी डबल बॉन्ड ओ का कार्बन भी हमें काउंट करना है। देखो ये 1, 2, 3 कार्बन, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ का भी नोमेनक्लेचर करने के लिए सी डबल बॉन्ड ओ का कार्बन आपको कंपल्सरी काउंट करना है, तभी जाकर ये 1, 2, 3 कार्बन के ऊपर से इसका IUPAC नेम कौन सा बना भाई? प्रोपेनॉन। कौन सा बना भाई? सेम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो सी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है भाई? COOH, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सी। आप क्या मानते हो कभी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए कौन सा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है? कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए कौन सा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है? अभी आपने बोला कौन सा ग्रुप? COOH। कौन सा ग्रुप है? बट पूरा COOH रिस्पॉन्सिबल नहीं है, અહીંયા ધ્યાન રાખજો ભાઈ, આ બધું નીકળી ગયું છે, આ બધું આપણા કોર્સમાંથી શું થઈ ગયું છે? પેલી બે બેચોમાં યાદ નતું આવ્યું એટલે ના કીધું, તમારી બેચમાં યાદ આવ્યું એટલે તમને કહું છું, કદાચ તમને મેં કદાચ 5 પૈસા વધારે ભણવા મળે। અરે પૂરા COOH ગ્રુપ એસિડિક પ્રોપર્ટી કે લીએ રિસ્પોન્સિબલ નહીં હે, બટ ઉસકે અંદર જો H પ્રેઝન્ટ હે, कौन प्रेजेंट है भाई? वो सिर्फ एच एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल। COOH तो सिर्फ ग्रुप है, क्या है भाई? कभी कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप कौन सा? COOH। कौन सा भाई? आप 11th 12th में गए, वहां पर सर ने आपको क्वेश्चन पूछा कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कौन सा ग्रुप, आप लोग बोलोगे COOH।
कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपके क्लास में से 99% स्टूडेंट आंसर देंगे सी डबल ओ एच रिस्पॉन्सिबल है। आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? ओनली कौन रिस्पॉन्सिबल है? एच रिस्पॉन्सिबल है। कौन है भाई? वो क्वेश्चन हमारा निकल चुका है। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता था इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी, बट अब निकल चुका है, बट मुझे याद आ गया तो आपको बोल दिया। सेम चलो फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर से फॉर्मूला बनाए। मैंने क्या बोला, इसके अंदर जो सी आता है, क्या आता है भाई? सी, उसको काउंट करना है। तो फर्स्ट मेंबर इसका बनेगा एच सी डबल ओ एच। एक कार्बन है, कितना कार्बन है? एक कार्बन है, तो मीथेन। अच्छे से ध्यान रखना, मीथेन की हर बार सी एच थ्री आए ऐसा जरूरी नहीं है। एल्डिहाइड में आया भाई? नहीं आया। फर्स्ट मेंबर क्या बना? एच सी एच ओ, यानी कि एक कार्बन। तो हमारे दिमाग में तुरंत 5000 वोल्ट का बल्ब जलना चाहिए। एक कार्बन मीन्स मीथेन। अगर सी एच ओ ग्रुप है तो मीथेनॉल बनेगा, सी डबल ओ एच ग्रुप है तो क्या बनेगा भाई? मीथेनोइक एसिड। क्या बनेगा भाई? ये इसका आईयूपीएसी नेम है, इसका कॉमन नेम खास याद रखना, इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। कौन सा है भाई? फॉर्मिक एसिड। ये नाम कई बार सुना हुआ लगता है, कहां पर सुना था? कोई चैप्टर के अंदर था। कौन से चैप्टर में? रेड एंट जब हमें बाइट करती है तो हमारी बॉडी के अंदर कौन सा एसिड एंटर करती है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड भाई? याद रहना चाहिए। चलो, और इसका आईयूपीएसी नेम कौन सा भाई? मीथेनोइक एसिड। तो खास याद रखेंगे, तो भाई व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मीथेनोइक एसिड? बोलो, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मीथेनोइक एसिड? विच इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर्मिक एसिड? आते याद रखना चाहिए। मीथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला कौन सा? एच सी एच ओ। कौन सा भाई? सेम मीथेनोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला कौन सा? और उसका कॉमन नेम कौन सा? फॉर्मिक एसिड। कौन सा भाई? जब इससे आगे बढ़े दो मेंबर के अंदर जाए, दो कार्बन के अंदर, तो क्या बनेगा भाई? सी एच थ्री सी डबल ओ एच। चलो देखो, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं भाई? कितने हैं भाई? दो। दो हो तो क्या बनेंगे? इथेन। इथेन के ऊपर से इसका आईयूपीएसी नेम कौन सा बनेगा? बोलो यार, इथेनोइक एसिड। कौन सा बनेगा भाई? और इसका कॉमन नेम भी खास याद रखना है, एसिटिक एसिड। कौन सा भाई? भाई विच इज द कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड? एसिडिक एसिड। कौन सा भाई? और ये जो एसिडिक एसिड, कई बार इसका नाम भी आ चुका है, ये केमिकल फॉर्मूला भी आ चुका है चैप्टर के अंदर, टैमरिंड के अंदर कौन सा एसिड है, लेमन के अंदर ऑक्सैलिक एसिड, टैमरिंड के अंदर टार्ट्रिक एसिड, फिर लेमन के अंदर कौन सा? साइक्लिक एसिड। ऐसे कोई नाम आ चुके हैं। निटल लीव्स के अंदर कौन सा एसिड? मेथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड भाई? तो ये जो एसिड है एसिडिक एसिड, फूड के अंदर सॉर टेस्ट लाने के लिए यूज होता है। एसिडिक एसिड जो है उसका यूज कहां पर होता है भाई? फूड के अंदर सॉर टेस्ट, खट्टा टेस्ट लाने के लिए इसका यूज होता है। लाइक एक पानी पूरी वाले की लारी के ऊपर हम लोग पानी पूरी खाते हैं, और घर पे पानी पूरी खाते हैं, दोनों के पानी के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। मम्मी बिचारी कितनी भी मेहनत करे, वो पानी पूरी की लारी वाले का जैसा वाटर का टेस्ट ला सकती नहीं है। आता है कभी टेस्ट? नहीं आता। उसका कॉज कौन सा है भाई? वो जो पानी पूरी की लारी वाला है वो क्या करता है भाई? अपने वाटर के अंदर
वो क्या ऐड करता है भाई एसिटिक एसिड क्या ऐड करता है भाई और वो जो एसिटिक एसिड है उसको बोलते हैं विनेगर क्या बोलते हैं भाई विनेगर या तो विनेगर यानी कि दो से तीन ड्रॉप डाल दो कितने ड्रॉप डाल दो दो से तीन ड्रॉप पानी पूरी के पानी के अंदर डाल दो फिर आप देख लो वो लारीवार के जैसा टेस्ट आ जाए इसके जैसा भाई और कोई भी किराना स्टोर्स के अंदर जाओ विनेगर की बोतल मिलती है 20 या 30 रुपीस लीटर कॉस्ट होती कितनी होती है भाई 20 या 30 रुपए 10 साल तक चलेगी कितने साल तक चलेगी पानी पूरी के पानी के अंदर पूरी बोतल नहीं डाल देनी है पूरा घर गंद गंद हो जाएगा घट्टी घट्टी गंद आ जाएगी कौन सी स्मेल एकदम खट्टी स्मेल बोला जैसे वर्ड बोला ऐसी खट्टी स्मेल होती है तो भाई ओरिजिनल एसिटिक एसिड का ढक्कन एक बार खोलकर तुरंत बंद कर दो आप में से किसी की हिम्मत नहीं है कि रूम के अंदर खड़े रह पाओ समझ गए आप में से किसी की हिम्मत नहीं है रूम के अंदर खड़े रह पाओ इतनी उसकी खट्टी स्मेल है बट विनेगर उसका सॉल्यूशन यानी कि घर पे पानी पूरी बनाओ ये विनेगर की बोतल ले आओ इसमें से दो ड्रॉप डालने कितने ड्रॉप डालने पूरी बोतल उल्टी नहीं करनी है ओनली दो ड्रॉप फिर हलाकर थोड़ा चखना है टेस्ट आया कि नहीं नया दूसरे दो ड्रॉप डालो नया दूसरे दो ड्रॉप डालो पूरी बोतल डालने की समझ गए यानी कि फूड के अंदर सॉर टेस्ट लाने के लिए भी क्वेश्चन बहुत सारी बार आ चुका है फूड के अंदर सॉर टेस्ट लाने के लिए कार्बन का कौन सा कंपाउंड यूज होता है भाई एसिटिक एसिड तो लिखो विच कंपाउंड ऑफ कार्बन विच कंपाउंड ऑफ कार्बन इज यूज्ड फॉर सॉर टेस्ट इन सॉर टेस्ट खट्टा टेस्ट इन गुजराती ना लगता खट्टा टेस्ट सॉर टेस्ट इन अ फूड आइटम तो तीन तीन आंसर बनेंगे कितने आंसर बराबर तीनों एक क्या बनेगा भाई एसिटिक एसिड दूसरा कौन सा भाई इथेनॉइक एसिड और तीसरा आंसर हमारा क्या हो सकता है भाई CH3COOH हो सकता है नहीं हो सकता है क्लियर फिर बाजार में से जाम लेकर आते हम लोग किसान टोमेटो केचप लेकर आते किसान ने बनाया किसने बनाया भाई फॉरेन की कंपनी है किसकी कंपनी है नाम दिया है किसान किसान का कोई पार्ट नहीं है उसके अंदर या तो लिंबू शरबत बनाना हो तो लिंबू की जरूरत पड़ती है समर सीजन में लिंबू की कॉस्ट होती है लगभग मैंने देखा है 120 से 150 रुपए किलो कितना होता है भाई इना करते पहले बाटलो सस्तो पड़े एयरलाइन पॉइंट ना कि वगैरह ना दे मन भी भी पूछते जाए बराबर है अगर हम लोग सोचे कभी भी ठंडी की सीजन में लेमन की कॉस्ट 30 या 40 रुपए किलो होती है उसका रस निकाल के बोतल में भर के नहीं रख सकते रखोगे तो 4 या 5 दिन के बाद उसके अंदर फंगस आ जाए क्या जाएगी भाई जो फंगस से बचाना है तो क्या करना है भाई उसके अंदर उसका रस निकाल दो वो बोतल के अंदर 2 से 3 ड्रॉप एसिटिक एसिड के डाल दो किसके डाल दो भाई कभी भी फंगस आएगी नहीं यानी कि प्रिजर्वेटिव के अंदर आप जितने भी पॉलीपैक लाते हो पिकल्स लाते हो किसान टोमेटो केचप लाते हो कोई भी रेडीमेड पॉलीपैक आइटम लाते हो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव के लिए किसका यूज होता है भाई एसिडिक एसिड का किसका यूज होता है भाई 2 से 3 ड्रॉप डाल दो लेमन का वाटर आपने निकाला है जो रस निकाला जूस निकाला क्या निकाला है भाई रस को जूस बोलते हैं जो जूस निकाला है जैसा है वैसा ही समर सीजन तक रहेगा मेहमान आया सुगर को क्या की भाई डाइल्यूट की 1 चम्मच भर के लेमन वाटर डाल दो तुरंत क्या हो गया भाई शरबत तैयार हो गया क्या हो गया भाई अरे प्रिजर्वेटिव में किसका यूज होता है भाई एसिडिक एसिड ये बैक्टीरिया को प्रोड्यूस होने देता तो लिखो विच कंपाउंड ऑफ कार्बन
which compound of a carbon is used as a preservative? Is used as a preservative? आंसर क्या लिखेंगे? एसिड एसिड प्रिजर्वेटिव तरीके कार्बन को कई संयोजन होता है इसलिए प्रिजर्वेटिव अच्छा लगता है और अपना संरक्षण मार्ग तो लिखा भाई एसिडिक एसिड CH3COOH ऐसे क्वेश्चन ये जो मैं बोल रहा हूँ वो बोर्ड के अंदर बहुत सारी बार पेपर के अंदर आ चुके हैं। चलो चलो इसके बाद में नेक्स्ट मेंबर का नाम लिखो दो। प्रोपेन के ऊपर से अब फॉर्मूला बनाओ, क्या बनाओगे भाई? CH3CH2COOH इसका कॉमन नेम कोई भी नहीं है, IUPAC नाम सीधा लिखोगे क्या बनेगा भाई? ब्यूटेनोइक एसिड, सॉरी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। चलो ब्यूटेन के ऊपर से बनाओ, चलो ब्यूटेन के ऊपर से क्या बनाया भाई? CH3CH2COOH IUPAC नेम लिखो सीधा, क्या लिखोगे भाई? ब्यूटेनोइक एसिड। चलो पेंटिंग के ऊपर से लिखो, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। बड़े जरूरत ना हो, पांच मेंबर तो ठोक ही देने के। बना दिया भाई, IUPAC नेम क्या लिखा? पेंटेनोइक एसिड। क्या लिखा भाई? चलो यानी कि ऑक्सीजन कंटेंट ग्रुप हमारे समाप्त हो गए। ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप कौन से? OH, CHO, फिर कौन सा भाई? C double bond O और COOH, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप है। कौन से ग्रुप है भाई? टेबल में क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप? गिव द नेम ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन और ये चार ग्रुप के नाम लिखने, कौन सा? OH means alcohol, CHO means aldehyde, थर्ड नंबर कौन सा भाई? C double bond O means ethol, और फोर्थ नंबर कौन सा? COOH carboxylic acid, और सबसे लास्ट में अब आता है हेलोजन, HELOGEN हेलोजन, कैसे है? HELOGEN हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन का मतलब जो खंभे के ऊपर लगी होती है वो हेलोजन नहीं भाई। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जहां पर भी हेलोजन नाम का वर्ड आए तुरंत आपके दिमाग में चार एलिमेंट आने चाहिए, FClBri, चार एलिमेंट हेलोजन एलिमेंट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 86 नंबर के पेज के ऊपर 17th नंबर के ग्रुप में चार एलिमेंट प्रेजेंट है, आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंग्लिश मीडियम की बुक में 86 नंबर का पेज है, वहां पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ऊपर नंबर लिखे वो 17 नंबर का जो ग्रुप है उसमें फर्स्ट FClBri, ये चार एलिमेंट को हेलोजन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? यानी कि जब भी 11-12 में आपका सर हेलोजन नाम बोले, कौन सा नाम बोले भाई? तुरंत हमारे दिमाग में चार एलिमेंट का डांस हो जाना चाहिए। कौन से चार एलिमेंट भाई? FClBri, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लियर? चलो अभी हेलोजन के तीन तीन मेंबर लिखेंगे, कितने लिखेंगे भाई? पहले क्लोरीन से शुरुआत करते, किससे करते हैं भाई? और देखो अभी तक जितने हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया, IUPAC नेम लिखे,
वो सभी में सफीक्स लगे, क्या लगे भाई? पीछे नाम लगे, कभी पार्श्वदास, पार्श्वलाल, पार्श्व कुमार, बराबर मिथेनॉल, मिथेनॉल, मिथेनोइक एसिड, ऐसे नाम लगे, इसके अंदर प्रीफिक्स लगे, क्या लगेंगे भाई? इसका नोमेनक्लेचर थोड़ा उल्टा है, इसमें क्या लगता है भाई? प्रीफिक्स लगता है, क्या लगता है भाई? लाइक मीथेन के पीछे सीएल लगा हो, मीथेन के पीछे क्या लगा हो भाई? सीएल, इसको बोलते क्लोरोमीथेन, क्या बोलते हैं भाई? अगर इथेन के पीछे सीएल लगा हो इसको बोलते क्लोरोइथेन, प्रोपेन के पीछे लगा हो तो, ब्यूटेन के पीछे लगा हो तो, पेंटेन के पीछे लगा हो तो, क्लियर? तो चलो इसके फर्स्ट मेंबर का नाम लिखते मीथेन के ऊपर से, इसका केमिकल फॉर्मूला आएगा CH3Cl, क्योंकि इसमें कार्बन एटम नहीं है भाई, क्या नहीं है भाई? फर्स्ट एटम का केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3Cl, क्या बनेगा भाई? CH3Cl, कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड, कौन सा है? मिथाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है, कौन सा नेम है भाई? और IUPAC नेम क्या लिखेंगे भाई? क्लोरो मीथेन, इसमें क्या लगा भाई? क्लोरो आगे लगा, भाई पार्श्व, कुमार पार्श्व, दास पार्श्व, लाल पार्श्व, कैसा पार्श्व भाई? यानी कि आगे लग गया, जो क्या लगता था भाई? इसके पीछे लगता था, वो कहां पर लग गया भाई? यानी कि इसमें प्रीफिक्स लगे, क्या लगेंगे भाई? और इसका IUPAC नेम कौन सा होगा भाई? क्लोरो मीथेन, चलो इथेन के ऊपर से बनाओ, चलो इथेन के ऊपर से क्या बनाओगे बोलो तो? CH3CH2Cl, चलो इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे बोलो यार? मिथाइल क्लोराइड, और IUPAC नेम? क्लोरो इथेन, चलो प्रोपेन के ऊपर से बनाओ, प्रोपेन के ऊपर से बनाओ, क्या बनाओगे बोलो तो? CH3CH2CH2Cl, कॉमन नेम क्या लिखोगे? तीन कार्बन है तो प्रोपेन के ऊपर से क्या लिखोगे? प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, और IUPAC नेम क्या लिखोगे? क्लोरोप्रोपेन, क्लियर? चलो ब्रोमीन लेते, क्या लेते हैं भाई? ब्रोमीन, चलो ब्रोमीन लगाओ मीथेन के पीछे, BR, ब्रोमीन का BR लगता है, क्या लगता है भाई? तो फर्स्ट मेंबर क्या बनाओगे? CH3Br, क्या बनाओगे भाई? CH3Br, कॉमन नेम क्या बनाएंगे बोलो तो? मिथाइल ब्रोमाइड, क्या बनाएंगे? मिथाइल, MEPHYL ब्रोमाइड, BROMIDE, मिथाइल ब्रोमाइड, चलो IUPAC नेम तो आपको आ जाएगा, क्या लिखोगे बोलो तो? बोलो क्या लिखोगे? ब्रोमो मीथेन, BROMO, ब्रोमो मीथेन, क्लोरीन हो तो क्लोरो, ब्रोमीन हो तो ब्रोमो, अगर फ्लोरीन हो F तो क्या होगा भाई? क्लोरो, क्या होगा भाई? आयोडीन हो तो क्या होगा भाई? आयोडो, क्या होगा भाई? आयोडो, क्या होगा भाई? चलो सेकंड मेंबर लिखो इथेन के ऊपर से, इथेन के ऊपर से लिखो, क्या लिखोगे?
CH3CH2Br। चलो उसका कॉमन नेम क्या लिखोगे? इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। IUPAC नेम क्या लिखोगे? ब्रोमो इथेन। चलो तीन कार्बन में जाओ, तीन कार्बन के अंदर जाओ, क्या लिखोगे बोलो तो? CH3CH2CH2Br। कॉमन नेम क्या लिखा? क्या लिखा भाई? प्रोफाइल ब्रोमाइड। और IUPAC नेम क्या लिखा? चलो क्लोरीन के अंदर जाओ, F लगाना है। क्या लगाने का है भाई? क्लोरीन के अंदर F लगाओ, फर्स्ट मेंबर लिखो, क्या लिखोगे? CH3F। चलो कॉमन नेम लिखो, क्या लिखोगे? मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड। FLUORIDE, FLUORIDE। चलो सेकंड मेंबर में जाओ, IUPAC नाम क्या लिखा भाई? क्लोरोइथेन। क्या लिखेंगे? क्लोरोमीथेन। चलो इथेन बनाओ, फॉर्मूला क्या बनाया बोलो तो? CH3CH2F। चलो फॉर्मूला, अरे सॉरी, कॉमन नेम क्या लिखा? इथाइल, अरे सॉरी मीथाइल, इथाइल फ्लोराइड। IUPAC नेम क्या लिखोगे? क्लोरो इथेन। चलो हो गया, आप लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे, आईडी के लिख पाओगे? बराबर है। यहां पर लगभग सभी ग्रुप के मैंने आपको नोमेनक्लेचर सिखा दिए, अब आपकी जिम्मेदारी है आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है भाई? क्लियर? तो लगभग सारे नोमेनक्लेचर हमारे पूरे हो गए। कल आएगी होमोलोगस सीरीज। क्या आएगी भाई? उसको पढ़कर आओगे, बराबर है, होमोलोगस सीरीज और सॉप एंड डिटर्जेंट। क्या करके आओगे?